नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से। एक बड़ी खबर आई, कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इन शिक्षकों को वेतन वापस करना होगा और वेतन वापस करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त इन्हें दिया गया है। वेतन वापस लेने का जिम्मा कलेक्टरों को सौंपा गया है। ये भर्तियां बंगाल सरकार ने 2014 में की थी और 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षाएं दी थी। इसमें 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने के आरोप लगे। इस मामले में कई टीएमसी नेता, शिक्षा विभाग के जो पूर्व अफसर हैं, वो इस वक्त जेल में हैं। तो हाई कोर्ट के आदेश से ईडी और सीबीआई जो हैं, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। और ये मामला इस तरह से भी परेशान कर देने वाला है, क्योंकि घूस देकर नौकरियां यहां पर ली गई थी, लेकिन बात यह है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो अपना उस नौकरी के जरिए अपना घर चला रहे हैं, उनके लिए ये आसान नहीं होगा इस तरह से जो वेतन वापसी की बात की गई है। क्योंकि जब किसी को ज़रूरत थी वहां पर, तो उन्हें कुछ लोगों को यहां पर गुमराह भी किया गया होगा। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता का। सौरभ, ये मामला, इसके दो पहलू नजर आते हैं। एक तरफ तो ये बड़ा सवाल है कि 24,000 यानी कि हजारों की तादाद में जो भर्तियां हैं, वो गलत तरीके से की गई, जो कि हाईकोर्ट में सामने आ चुका है और इसीलिए उसे रद्द किया गया। लेकिन कई बार सौरभ, अगर हम इसका एक मानवीय पहलू देखें, तो ये भी है कि जिन लोगों को दरकार थी, उन्होंने किसी तरह से नौकरी हासिल की, लेकिन अब जब वो अपना घर चला रहे थे, तो उनसे इतने वक्त का वेतन जो है वो अगर वापस मांगा गया है, तो ये आसान नहीं होगा उनके लिए। देखिए, सिर्फ आसान नहीं होगा के, जो आज तृणमूल की तरफ से कहा गया, ये इम्प्रैक्टिकल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, गलती शायद हुए है और गलती का सज़ा होनी चाहिए, और इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन जो स्थिति इस वक्त की है, जिन्होंने नौकरी पाए हैं, जिनको नौकरी का वेतन वापस करने की बात कह रहे हैं, उनके पास तो नौकरी का पूरा जो पैसा है वो बचा के तो नहीं रखे, वो अपने परिवार पे खर्च किया है। तो आज तृणमूल कह रहे हैं ये पैसा वापस कहाँ से आएंगे, लोग चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, ये मुख्यमंत्री का बयान है। दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने इस ऑर्डर के खिलाफ। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी हो रहा है, और राजनीतिक माहौल में ये केस बहुत ही चर्चे में रहे हैं, क्योंकि इस केस में तृणमूल के कुछ वरिष्ठ नेता गिरफ्तार हुए हैं, खास करके पार्थ चट्टोपाध्याय, जिनको बाद में पार्टी से बहिष्कार कर दिया गया है आरोप लगने के बाद, और उनके घर से पैसे बरामद होने के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन अब इस मामले को फिर से राजनीतिक माहौल में इसकी चर्चा होगा। बीजेपी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बीजेपी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मुख्यमंत्री को। दूसरी तरफ तृणमूल कह रहे हैं देखिए, ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी के कहने पर हो रहा है। एक तरफ से नौकरी तो नहीं है, और राज्य सरकार जब नौकरी देने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आज खुद कहा है, तब ये कोर्ट जाके PIL फाइल कर देते हैं और उनसे ऐसे जो ऑर्डर्स हैं निकल के आते हैं। तो इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल में काफ़ी चर्चा हो रहा है। लेकिन अगर हम कोर्ट की बात करें, तो कोर्ट की जो मुख्य ऑर्डर है, जिसमें 4 हफ्ते में वापस देने की बात, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को पैसे वापस लेने की जो जिम्मेदारी दी गई है, इसके खिलाफ और जो मुख्य ऑर्डर है उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी, क्योंकि तृणमूल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सरकार, राज्य सरकार। सौरभ, यहाँ पर संक्षेप में अगर बता सके आप, तो ये भी बताएं कि क्या अब जब ये 24,000 नौकरियां जो शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, क्या हाईकोर्ट की तरफ से दोबारा भर्ती को लेकर कोई निर्देश जारी किया गया है राज्य सरकार के लिए? देखिए, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को पूरा करने के लिए काफी वक्त लग जाता है इसमें, और इसकी चर्चा काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन अब जो स्थिति बन गया है, इसमें कई सारे जो अनसर्टेनिटीज़ है वो आ गया है, क्योंकि इसके पहले भी जैसे मैंने बताया, कुछ ऑर्डर्स आए हैं जिसमें नौकरियां रद्द करने की बात की गई थी, और अब फिर से ये ऐसी एक ऑर्डर आया है कलकत्ता हाईकोर्ट के, ढाला की डिवीजन बेंच के ऑर्डर है ये। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, और इसमें एक हल निकलना बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि ये सिर्फ जिनकी नौकरी जा रहे हैं, जो 25,000 नौकरियां जा रहे हैं, उनके बात नहीं है, उनके पूरे परिवार के बात है। और मानविक नजरिए से अगर हम देखें, तो इसमें
एक बहुत ही बड़ा हलचल हो सकता है। और इसमें इसलिए मुख्यमंत्री जो है कह रहे हैं कि लोगों को कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम ऐसे नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यमंत्री को ही दोषी ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको इस्तीफा देनी चाहिए और कोर्ट ने अपनी ऑर्डर दे दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें पूरी तरीके से ये इलीगल है जो भर्ती हुए हैं नौकरी में, और इसे रद्द कर दिया गया है कोर्ट के ऑर्डर में। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या उन लोगों के लिए खासकर पैदा हो गई है जो लंबे वक्त से वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं शिक्षकों के तौर पर, और उनसे जब वेतन मांगा जाएगा तो ये बहुत आसान बात नहीं होगी, और ये कहीं ना कहीं बहुत सख्ती भी है, क्योंकि अगर गलती सरकार की तरफ से अफसरों की तरफ से हुई है तो शायद खामियाजा भी उनको ही भुगतना चाहिए, ना कि उस तरह के लोगों के लिए जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है अपनी तनख्वाह वापस लौटाने में। आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल की हम बात करते हैं, जिस जहाँ पर आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उस आग के चलते लोगों का उस पूरे इलाके में सांस लेना दूभर हो गया है, और ये कूड़े का पहाड़ अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या दशकों से लोगों के लिए वहाँ पर बना हुआ है, और कई बार इस पर राजनीति भी हमने गर्माते हुए देखी है। कूड़े का ये पहाड़ पूर्वी दिल्ली में आग लगने के बाद इससे जहरीला धुआं उठा जिसने दिल्ली NCR की हवा को और प्रदूषित किया। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर खड़ा कूड़े का पहाड़ दिल्ली NCR के लिए सालों से मुसीबत बना हुआ है, इसे लेकर लगातार सियासी आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो भी कम नहीं होते हैं। तो ये जो सवाल है ये लगातार बना हुआ है कि आखिर कब तक ये कूड़े का पहाड़ जो है ये रहेगा, आखिर कब इससे छुटकारा जो है वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि गाजीपुर लैंडफिल जो है अब लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। एक आंकड़ा आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। 2017 की अगर बात करें इस कूड़े के पहाड़ की, तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर थी। 2018 में बढ़कर ये 65 मीटर चली गई थी, यानी कि कुतुब मीनार से कुछ ही मीटर कम थी इसकी ऊंचाई। कुतुब मीनार की ऊंचाई आपको बता दें कि 73 मीटर है। हर दिन करीब 10,000 टन कचरा यहाँ पर डंप किया जाता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, हालांकि कचरा बीच बीच में उठाया भी गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं खासा परेशान करने वाला है कि किस तरह से यहाँ पे हो नहीं रही है, इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, और ये लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। और एक और अगर आपको हम यहाँ पर आंकड़ा दिखाएं, तो सितंबर 2017 में कूड़ा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, और फिर रानीखेड़ा में कूड़ा डालने की भी बात की गई, लोगों के विरोध से वो हो नहीं सका। 2018 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ जगहों का सुझाव दिया गया और इसका भी जमकर राजनीतिक विरोध हुआ है। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी वैभव पलनीतकर का। वैभव, 7 सालों में लैंडफिल साइट के लिए राजधानी में 9 से ज़्यादा जगह देखी गई, लेकिन इनमें से एक पर भी बात नहीं बनी। जो जगह चिन्हित की गई कभी वो छोटी पड़ी तो कभी उसका अधिग्रहण ही नहीं हो पाया। लेकिन शायद सबसे बड़ी जो बात कि वहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बुज़ुर्ग हों, उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब है और उनके स्वास्थ्य को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। जी बिल्कुल, पिछले तकरीबन आधे पौन घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे लिए हम मास्क लगाएं उसके बावजूद भी सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जो धुएं, जो लैंडफिल पर आग लगी हुई है उसकी वजह से जो उसका धुआं निकल रहा है काफ़ी हानिकारक धुआं है, और उसकी एक तो घुटन उसकी वजह से महसूस हो रही है, दूसरी वजह है दुर्गंध। इतनी ज़्यादा दुर्गंध है इस कूड़े के पहाड़ की कि आसपास के कई कई मीटर के इलाके में ये दुर्गंध फैलती है, और स्थाई है क्योंकि पहाड़ स्थाई है, और उसकी वजह से लगातार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में जब से आग लगी है सांस लेने में लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बच्चे और बुज़ुर्गों को खासतौर पर इसकी वजह से एक तरह से तकलीफ़ हो रही है, और हम भी यहाँ पर मास्क लगाकर खड़े हैं और लगातार एक घुटन महसूस की जा सकती है। बिल्कुल वैभव, लेकिन बात यहाँ पर यही है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वैभव, अगर बात की जाए तो क्या कुछ और जगहों के लिए भी बात चल रही है, क्योंकि अब तो MCD में भी आम आदमी पार्टी जो है वो काबिज हो चुकी है।
जी बिल्कुल, इसकी विकल्प की भी जगह सोची गई थी। हम जिस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ से कुछ कचरे को हटाया भी गया है, यहाँ पर नया कचरा डालना हमें यहाँ स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बंद कर दिया गया है। तो एक तरह से जो अभी फ़िलहाल आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कूड़ा है पूरा कूड़े का पहाड़ है उसमें से लगातार मीथेन गैस रिलीज़ हो रही है। मीथेन गैस रिलीज़ होने की वजह से जो आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं वो एक तरह से सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि आग बुझाने की कोशिश की जाती है, नीचे से पानी की बौछारें मारी जाती हैं, ऊपर से जेसीबी सूखे के कचरे को हटाकर गीला कचरा लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो मीथेन रिलीज़ हो रही है वो आग को जलने में मददगार साबित हो रही है। उसके अलावा हवा भी लगातार चल रही है, वो हवा की वजह से जो आग की लपटें और ज़्यादा फैलती हैं, और अभी भी सामने से दिख रहा हो कि आग की लपटें नहीं दिख रही हैं लेकिन हल्की हल्की आग और धुआं लगातार बना हुआ है। और ऐसे में अगर पानी डालने या आग बुझाने की कोशिशें थोड़ी भी धीमी करते हैं तो फिर से आग भड़क सकती है। स्थानीय अभी फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि आग बुझाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पा लिया गया है, जद्दोजहद अभी भी जारी है। बिल्कुल वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं हमारे सहयोगी वैभव जो हैं वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट पर वो खड़े हुए हैं, उनके लिए वहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो चुका है। और ये आग जो लगी है इससे जो थोड़ा थोड़ा धुआं जो लगातार निकल रहा है ये कई किलोमीटर तक जा रहा है और लोगों के घरों में दाखिल होता है और उनके स्वास्थ्य को भयानक नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जब वो सांस ले रहे हैं ये धुआं भी उनकी सांसों में शामिल हो रहा है। वो मसाले जो आपकी रोज़मर्रा के खाने में शामिल हैं, आपकी रसोई का हिस्सा हैं, वो अगर उनमें कोई ऐसी बात पाई जाए कि उनको खाने से ख़तरा पैदा हो या कोई गंभीर बीमारी का ख़तरा हो, तो ये बात कहीं ना कहीं डराती है। देश की दो बड़ी मसाला कंपनियां एमडीएच और एवरेस्ट सवालों के घेरे में है। सिंगापुर और हांगकांग ने दोनों कंपनियों के कुछ मसालों पर रोक लगा दी है। दोनों कंपनियों के कई मसालों में पेस्टिसाइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा होने का आरोप लगाया गया है, जिससे गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। इस बीच बड़ी खबर हमारे देश से ये आई कि देश की जो सभी फूड कमिश्नर हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। 3 से 4 दिनों में देश के सभी मसाला के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके सैंपल अब उठाए जाएंगे। सिर्फ एमडीएच और एवरेस्ट ही नहीं, सभी मसाला बनाने वाली जो कंपनियां हैं अब उनके सैंपल लिए जाएंगे। करीब 20 दिनों में लैब से रिपोर्ट आएगी। स्पाइस बोर्ड से अवेयरनेस को लेकर अपील की गई है कि कोई भी हानिकारक तत्व उसमें ना मिलाए जाए। अगर भारत के मसालों में हानिकारक तत्व अब मिलता है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे, ये भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है। दरअसल हांगकांग और सिंगापुर में फूड एजेंसीज ने लोगों को दो बड़े मसाला ब्रांड एमडीएच के 3 और एवरेस्ट के 1 प्रोडक्ट का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी। इसमें एमडीएच का मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला और करी पाउडर मिश्रित मसाला पाउडर जो है उसका, और एवरेस्ट का फिश करी जो मसाला है वो शामिल है। खाद्य जो नियामक है उनका ये कहना है कि इसमें इथिलीन ऑक्साइड जो है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया हुआ है। इस मामले में एवरेस्ट की प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि उनके मसाले कड़ी जांच के बाद तैयार और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का कड़ाई से पालन यहाँ पर किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल टीम मामले की जाँच करेगी। तो यहाँ पर सफाई जो है वो भी आने लगी मसाला कंपनियों की। एवरेस्ट की तरफ से क्या गया ये भी आपको बताते हैं। प्रतिबंध पर एवरेस्ट का बयान ये आया है कि हम 50 साल पुराने प्रतिष्ठित ब्रांड हैं, कड़ी जांच के बाद तैयार किया जाता है सामान, एक्सपोर्ट किया जाता है और ये मसाले भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साफ सफाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का कड़ाई से पालन हम करते हैं। प्रोडक्ट्स पर इंडियन स्पाइस बोर्ड FSSAI जो है जैसी एजेंसियों की मुहर होती है। क्वालिटी कंट्रोल टीम जो है वो मामले की जाँच करेगी। तो इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
और अब आपको यहाँ से सीधा हम राष्ट्रपति भवन लिए चल रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त पद्म पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर लोगों को। इस साल 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ये सम्मान देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। प्रेमा पद्म पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो अलग अलग श्रेणियों में पद्म पुरस्कार जो है उनसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इसमें कला है, सामाजिक कार्य है, सार्वजनिक कार्यक्रम, साइंस और इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री जगत जो है वहाँ से, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा शामिल है। इसमें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के एक आदिवासी पर्यावरणविद दुखू माझी को सम्मानित किया जा रहा है। दक्षिण अंडमान में जैविक खेती करने वाले किसान के चेल्लामल को सम्मानित किया जा रहा है। मिजोरम के संगथन किमा भी इन सम्मान पाने वाले लोगों में शामिल। वेंकैया नायडू को इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इस साल कुल 132 पद्म सम्मान जो हैं उनसे सम्मानित किया जा रहा है। कला जगत में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जो हैं उन्हें भी सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। पब्लिक अफेयर्स में श्रीराम नाइक जो हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। कला जगत से प्यारेलाल शर्मा, उषा उत्तुप जो हैं उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। साहित्य और शिक्षा और पत्रकारिता में श्री कुंदन व्यास जो हैं महाराष्ट्र के रहने वाले उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर यजदी एम इटालिया, चिकित्सा सिकल सेल। तो अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव के का मौसम चल रहा है और तेज गर्मी और लू को लेकर चुनाव आयोग चिंतित है और चुनाव आयोग ने सभी संबंधित पक्ष जो हैं उनके साथ बैठक भी बुलाई, जिसमें लू के जोखिम को कम करने पर चर्चा की गई है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान जो है वो होने जा रहा है। बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तनाव दे रहा है कि आखिर जो कम मतदान हुआ है, जो वोटिंग परसेंटेज कम आया है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग चिंतित है। अगर हम बात करें तो पहले दौर में 102 सीटों पर जो वोट पड़े थे, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से कई 4% जो वोट हैं वो कम पड़े हैं इस बार, जो कि पिछली बार की तुलना में कम है। एक बड़ी वजह मौसम भी यहाँ पर बताई गई है। बिहार की नवादा और जो गया सीटों हैं उससे हम एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति रही है। अगर हम 2024 की बात करें तो नवादा में 41.5% मतदान जो है वो हुआ है। तापमान जो है यहाँ पर 42 डिग्री दर्ज किया गया। ये हम आपको नवादा की बात बता रहे थे। जबकि 2019 की अगर बात करें नवादा की, तो पहले दौर में 52.5% मतदान हुआ था, लेकिन तापमान जो है वो 35 डिग्री था। तारीख 11 अप्रैल थी, जो हमारे यहाँ 2024 में जो मतदान हुए हैं वो 19 तारीख को हुए हैं, तो थोड़ा एक हफ्ते या 8 दिन का फर्क जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरी अगर यहाँ पर बात करें सीट की, इसी तरह से गया में इस बार वोट पड़े हैं 52% और तापमान जो था गया में भी 42% रहा है। 2019 में गया की क्या स्थिति थी वो भी आपको दिखा देते हैं। तो 2019 में 56% वोट पड़े हैं और तापमान जो है वो 35 डिग्री रहा है। तो एक बहुत बड़ा अंतर जो है दोनों जगहों पर तापमान में देखने को मिल रहा है। 11 अप्रैल को यहाँ पर भी मतदान हुए थे, तो नवादा और गया के साथ ही औरंगाबाद और जमुई में भी वोट पड़े थे और मतदान 53.4% रहा, लेकिन 2024 में गिरकर ये 48% रह गया और 5% का जो फर्क है वो देखने को
मिल रहा है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा भी बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी चिंतित हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार चुनाव पर एक बारीक नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। अमिताभ जी, ये जो आंकड़े इस वक्त कह रहे हैं 26 अप्रैल जो दूसरा चरण है उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चिंतित है, अब 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है, ऐसे में मौसम कितना असर डाल रहा है इस पूरे जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है पहले फेज का उसको लेकर? देखिए, आप जैसे ग्राफिक्स में बता रहे हैं कि ऑब्वियसली नवादा, गया, औरंगाबाद में जो टेम्परेचर जो है वो 2019 के कंपैरिजन में 5-5, 6-6 डिग्री ज्यादा है इस बार। तो यानी भीषण गर्मी एक जरूर कारण है जिसकी वजह से जो है वो कम वोट इस बार पड़ा है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी खुद अपील करी है लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के वोट करें। पिछले 100 सालों में लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है भारत में, और 2100 सदी तक 1% से 5% और बढ़ सकता है, ये भी है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2024 में जनवरी और फरवरी हॉटेस्ट मंथ्स एवर थे पूरे वर्ल्ड में। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमको जो है वो गर्मी जो है भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, और जिसका असर टर्नआउट पर पड़ रहा है। एक और यहाँ पर बात, ये भी फैक्टर अमिताभ जी क्या मायने रखता है कि जो तबका जिनकी बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं, और एक वो तबका जो थोड़ा एलीट है या जिन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा चाहे वो महंगाई हो, जिनका घर ठीक से चल रहा है, उनके निकलने में और गरीब तबके के निकलने में भी फ़र्क है? क्योंकि जिसे रोटी कपड़ा जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी है वो चाहेगा कि सरकार उसके हिसाब से आए और वो वोट करने निकलेगा, लेकिन शायद आपके हमारे जैसे लोग या शहरी लोग जो हैं वो कम निकलें, ऐसा भी संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। जनरली जो लाभार्थी क्लास होता है उसका टर्नआउट ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसा आपने कहा उसकी सरकार पर डिपेंडेंस है, किसी न किसी स्कीम में इनरोल्ड है, फ्री राशन उसे मिल रहा है, घर उसका उससे चलता है। वहीं जहाँ पर मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास में एक वोटर एपैथी है, हम और आप जैसे लोग किसी स्कीम में इनरोल नहीं है, हमारी लाइफ जो है वो सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है, हम लाभार्थी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक एपैथी है अर्बन क्लास में, मिडिल क्लास में, कि भाई हमारा जीवन तो बिना सरकार के भी चल सकता है ना, हमारे पास कोई आयुष्मान भारत कार्ड है, हम टैक्स दे रहे हैं, हमें वैसा बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये सब भी सोशल मीडिया पे हमने देखा है, काफ़ी चल रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो इसका जरूर असर होता है। 2004 में मिडिल क्लास का टर्नआउट 18% घटा था और अन्य वर्गों का सिर्फ 4%। बहुत बड़ा नंबर था, जिसकी वजह से पूरा चुनाव पलट गया था। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम कुछ राज्यों का जिक्र करें अमिताभ जी, यूपी के 15 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया, पटना समेत बिहार के 11 जिलों में भीषण गर्मी जो है उसकी बात यहाँ पर कही गई है। तो ऐसे में जब दूसरे चरण का जब मतदान होने जा रहा है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने जा रहे हैं और कई सीटें हैं, कई जगह हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में रहने वाली हैं, तो यहाँ पर क्या वाकई में कोई समाधान है, या क्योंकि अभी तो हम दूसरे ही चरण में जा रहे हैं और गर्मी अभी बढ़ना शुरू ही हुई है? वोटिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे और ऐसा मुझे लगता है, तो शाम रात में भी वोटिंग अलाउ करनी पड़ेगी। हो सकता है सुबह और जल्दी, अब 7 बजे से तो हो ही रही, हो सकता है सुबह और जल्दी वोटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दिन में हम देखते हैं सुबह और शाम को तो वोटिंग अच्छी खासी संख्या में होती है, लेकिन दिन का जो पीरियड है 11 बजे से 3 बजे तक का 4 बजे तक का उसमें वोटिंग कम होती है। और माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, यूपी, बिहार, राजस्थान से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में, कर्नाटक, इन राज्यों में जो गरीब गुरबा है वो जाकर के डेली वेजर काम करता है। अब ठीक है, उसका वोटर आईडी कर्नाटक महाराष्ट्र में नहीं है तो वहाँ वो वोट डाले या ना डाले उसका खास असर नहीं होता, लेकिन क्योंकि रिमोट वोटिंग की जो एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो अब कोई भी डेली वेजर अगर वोट डालने के लिए यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य किसी राज्य में वापस आना चाहता है तो ट्रेन की जर्नी उसे कम से कम 3 से 4 दिन उसको लगेंगे, 4 दिन का उसका डेली वेज जाता है प्लस 4 दिन का किराया जाता है। तो ये सब कंसिडरेशंस भी हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि वोटर टर्नआउट पे इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग हैं जो अब आप कहें कि जागरूक ना होने के चलते या उतनी शिक्षित ना होने के चलते शायद उस तरह से अपना वोटर आईडी जो है वो चेंज ना करा पाएं, अपनी जगह चेंज ना करा पाएं, तो ऐसे में उनके लिए फिर ये अपने आप में एक नई कवायद है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी वोट डालने जाने के लिए, उन्हें खर्चा करना पड़ेगा, तो ये भी एक बड़ी वजह है यहाँ पर करने के लिए। लेकिन देखना होगा अमिताभ जी, बहुत अहम आपने ये पहलू उठाया कि पलायन जो लोग करे हुए हैं, जो लोग बाहर आए हुए हैं उनके लिए भी एक बड़ा मुद्दा है, अगर उन्होंने अपना
जो जगह है वो नहीं बदलवाई है, तो क्या वो वाकई में अपने घर वापस जाएंगे, अपनी जगह पर वापस जाएंगे जहाँ पर मतदान हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आप हमसे जुड़े यहाँ पर इस चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर गाज़ियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तापमान बढ़ रहा है और चुनाव के दिन इससे निपटने की विशेष तैयारियाँ की जा रही हैं। गाज़ियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी जो हैं अभिनव गोपाल, उन्होंने इस बारे में ज़्यादा जानकारी दी, हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर से बातचीत की है। सुनवाते हैं कि क्या इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। हाउ बिग अ चैलेंज विल बी हीट वेव? हीट वेव क्या आपको लगता है आपके लिए एक चुनौती होगी इस बार? अब जैसा कि मौसम के अनुसार जो फोरकास्ट है वो हीट वेव का एज सच अभी हमें नहीं मिला है, परंतु जैसा कि टेम्परेचर्स लगातार राइज हो रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं उसकी तैयारी करनी होगी और हमने तैयारी करी भी है। जिस तरीके से हम लोग जो हमारे बूथ्स हैं, बूथ्स में हम लोग पीने के पानी की व्यवस्था, आपकी छाँव के लिए जो हमारे टेंट्स हो सकते हैं या जो अन्य माध्यम हो सकते हैं छाँव के लिए, वो हम वहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि इसका हमने एक मैपिंग भी कर लिया है जहाँ जहाँ पे इस तरह की समस्याएं आने की संभावनाएं हैं। हालांकि जो अर्बन अपथी की आपने बात की, अर्बन वोटर्स की बात आती है जब, तो अर्बन वोटर्स के लिए ज़्यादा अगर इस बार एक नई आप कह सकते हैं कि मुहिम है या जिसको ECI ने अलाउ भी किया है, हमारे यहाँ करीब 33 पोलिंग सेंटर्स जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग के ही क्लब हाउसेज में हैं, और जहाँ पे इस तरह की हीट वेव सिचुएशन जो है वो क्रिएट होना या बनने की संभावनाएं कम रहेंगी क्योंकि वो क्लब हाउसेस के अंदर हैं और आराम से आदमी कतार में वहीं पे खड़ा हो सकता है। अठारहवीं लोकसभा के लिए दूसरे चरण के चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है। मतदान हमारे विशेषाधिकार के साथ हमारा कर्तव्य भी है, लेकिन दुर्भाग्य से शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहता है जिसमें नौकरी पेशा लोग भी शामिल हैं। NDTV प्रमुख कॉरपोरेट नागरिकों से ये सहयोग कर रहा है, मतदान के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। वोट देने की प्रतिज्ञा नाम के इस अभियान का उद्देश्य इस लोकतांत्रिक अभ्यास में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके लिए हमारी वेबसाइट NDTV.com/pledge-to-vote पर जाएं और वोट करने की प्रतिज्ञा लें। अपनी प्रतिज्ञा को सोशल मीडिया पर साझा करना न भूलें।